नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतनु, एंजॉय दी सॉल्यूशन चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस टॉपिक में मैं आपको आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है उसका एक छोटा टिक्स बताऊंगा। तो जानते हैं टॉपिक क्या है। तो दोस्तों, टॉपिक यह है कि अपने फ़ोन पर जो बेकार का फालतू का जो कीबोर्ड होता है ना, जहाँ पर आप मैसेज टाइप करते हैं, वो कीबोर्ड को आप कैसे मॉडिफाई करके एक नया लुक दे सकते हैं, जहाँ पर आपका बैकग्राउंड पर खुद का इमेज रहेगा, उसका लुक और भी अच्छे से बना सकता है। और दोस्तों, इसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल से ये काम आप कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप मेरा पूरा वीडियो देखिए। और दोस्तों, यदि आप इस तरीके का वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बिल्कुल मुफ्त होता है। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर जस्ट एक बार क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, आपको जो करना है, आपको फर्स्ट टाइम आपका सेटिंग ओपन करना है। तो यहाँ से मैं सेटिंग ओपन करता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे और एक चीज़, आपके फ़ोन के हिसाब से यहाँ पे सेटिंग का जो ऑर्डर है वो चेंज होता है। तो आप यहाँ से थोड़ा ध्यान से उस ऑप्शन को ढूंढ लीजिए। यहाँ पे आपको जो ऑप्शन ढूंढना है वो है लैंग्वेज एंड इनपुट। आप यदि आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो देखिए, यहाँ पर जो सर्च ऑप्शन है ना, वहाँ पर आप लिख के भी वो सेटिंग को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद वो डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड को चूज करना है। तो डिफ़ॉल्ट जो कीबोर्ड होता है वो गूगल कीबोर्ड ही रहता है, तो इसको आप चूज कर लीजिए। उसके बाद देखिए, जो नीचे आएगा कीबोर्ड का नाम, जो कीबोर्ड आपने चूज किया था, ठीक है, तो उसको आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ से जो थीम ऑप्शन है उसको चूज करना है। तो देखिए, आपके जो कीबोर्ड का जो डिफ़ॉल्ट थीम था यहाँ पे सारे दिखाई देगा। जैसे कि देखिए, मेरा डिफ़ॉल्ट थीम ये था। यहाँ पे आप मनचाहे थीम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं दिखाता हूँ आप कैसे आपका खुद का इमेज यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए जो प्लस सिंबल दिखा रहा है, इसके ऊपर आपको जस्ट एक बार टैप करना है और फाइल से वो इमेज को चूज कर लेना है जो आप देना चाहते हैं वहाँ पे। तो यहाँ से मैं टैप करता हूँ और देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना यहाँ पे कीबोर्ड पे दिखाएगा। तो यहाँ से मैं उसको चूज करता हूँ और नेक्स्ट पे देता हूँ। देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है कि बैकग्राउंड पे ईएमएस दिखाई देगा। यहाँ से आप ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, वो इमेज का ब्राइटनेस कितना रहेगा। ठीक है, तो आपके हिसाब से ये एडजस्ट कर लीजिए और यहाँ से डन पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे कीबोर्ड का सेटअप हो गया है। यहाँ पे और एक ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा होगा कि की बॉर्डर्स, मतलब आपका जो की दिखाई दे रहा है ना, कैरेक्टर्स, उसके आसपास एक बॉर्डर दिखाई देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। तो आपके हिसाब से ये एडजस्ट कर लीजिए और अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए, मेरा कीबोर्ड अभी मॉडिफाई हो चुका है। मैं आपको एक बार टाइप करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे देखिए, जो इमेज मैं यहाँ से चूज किया था वो इमेज यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। और मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।